जमुआ थाने में रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस अवसर पर उप प्रमुख चंद्रशेखर राय, जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास, अंचल निरीक्षक लोकेश सिंह मौजूद रहे। मौके पर उप प्रमुख चंद्रशेखर राय ने कहा कि रमजान और रामनवमी शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास ने कहा कि रमजान और रामनवमी शांतिपूर्वक मनाएं। कहा कि जुलूस पर प्रतिबंध है, क्षेत्र पर 144 धारा लागू है, इसलिए 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग कहीं नहीं रहेंगे। अंचल निरीक्षक लोकेश सिंह ने कहा कि रमजान और रामनवमी में सरकार के गाइडलाइन का पालन करने का आह्वान किया। कहा कि सरकार लोगों की सुरक्षा के लिए कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया है उसका पालन करें, तभी व्यक्ति और समाज की सुरक्षा होगी। कहा कि वैश्विक महामारी एक बार फिर क्षेत्र में तेजी से पनप रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, तभी कोविड-19 के प्रकोप से बचा जा सकता है। मौके पर जनप्रतिनिधियों के अलावा पूजा समिति सदस्य व दोनों समुदाय के कई बुद्धिजीवी शामिल हुए। इस दौरान सभी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गाइडलाइन के अनुसार ही सतर्कता के साथ शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार को मनाने का निर्णय लिया। जो सरकार का दिशा निर्देश था उसको प्रशासन के द्वारा लोगों को आगाज किया गया और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों समाज सेवियों ने ये बीड़ा उठाई कि नहीं, कोविड से बचते हुए हम लोग ये सरकार की जो नीति है, सरकार का जो गाइडलाइन है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे और एगो पूरे प्रखंड में एक शांति और व्यवहार के साथ हम लोग पूजा और जो है सो रमजान मनाएंगे। सभी पंचायतों के गणमान्य नागरिक और अखाड़ा समिति के लोग उपस्थित हुए, उनसे सुझाव आमंत्रित किया गया और साथ ही उन्हें सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को अनुपालन करने हेतु बताई गई कि पूरे जमुआ में 144 लागू है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की एक साथ नहीं रहेंगे। परंपरागत तरीके से जो पूजा होती है एकत्र के अपने अखाड़ा मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे। धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद में भी 5 व्यक्ति या उससे अधिक लोगों को जमा होने की अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही किसी प्रकार जुलूस नहीं निकलेगा, जुलूस पर बैन लगाई गई है, प्रतिबंधित है। वी टाइम न्यूज के लिए जमुआ से रवि राजा की रिपोर्ट।